इमरान खान, हाँ वही वाले इमरान खान जो विदेशी मेहमानों से मिली घड़ियों को दबाकर बैठ गए थे और फिर चुनाव आयोग का उन पर डंडा चला। अब इमरान खान फिर से संगीन आरोपों में घिरे। वैसे तो इमरान अक्सर किसी न किसी विवाद में फंसते रहते हैं, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है। अब की बार आरोप कोई राजनीति को लेकर नहीं है, इस बार इमरान फंसे हैं महिलाओं से फोन पर गंदी बात करने को लेकर। जब तुम थक जाओगी ना। सोशल मीडिया पर दो आपत्तिजनक ऑडियो वायरल हो रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि दोनों ही ऑडियो क्लिप में महिलाओं से आपत्तिजनक बातचीत करने वाले कोई और नहीं बल्कि इमरान खान है। दोनों ऑडियो में महिलाएं अलग अलग है। तुम सो तो नहीं गए? जल्दी से आओ वापस। ना कैसे आओ, क्या सर तबीयत ठीक नहीं? ऑडियो को खूब शेयर किया जा रहा है। इमरान खान के कथित ऑडियो को लेकर पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल सा गया। पाकिस्तान में इमरान खान की जमकर आलोचना की जा रही है और वायरल ऑडियो इमरान खान के हैं या नहीं इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, लेकिन बातचीत के अंदाज को लेकर दावा पाकिस्तान में ये किया जा रहा है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि इमरान खान की ही है। क्या हाल के, मैं अभी वो डॉक्टर को निकाल कर तो नहीं दिखा सकती, बदतमीज। क्या करने लगी अब, तुम नहीं आ सकती? नहीं मैं नहीं आ सकती, I can't leave her like this, ना मेरे उसको वो nebulizer वगैरह की जरूरत है। फिर कब, अगले कब? इन क्लिप के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इमरान खान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इमरान खान का समर्थन कर रहे हैं और ऑडियो क्लिप की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं इस मामले में उनकी पार्टी पीटीआई की ओर से बयान भी सामने आया और साफ तौर पर तमाम तरह के आरोपों का खंडन किया गया है। पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि वायरल किए गए ऑडियो पूरी तरीके से फर्जी और आरोप ये है कि नकली ऑडियो और वीडियो बनाने के पीछे राजनीतिक साजिश है। ऑडियो में आवाज किसकी है ये जांच का विषय है, आज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से एक के बाद एक इमरान खान विवादों में घिर रहे हैं उनके राजनीतिक करियर के लिए ये घातक भी हो सकता है। पाकिस्तान में ऑडियो टेप का वायरल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसी क्लिप राजनीति से जुड़ी होती है। हालांकि इस बार जो ऑडियो सामने आया है उसके आधार पर विपक्ष इमरान खान की छवि पर निशाना साध सकता है। कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी एक ऑडियो सामने आया था। उस ऑडियो में भारत से कुछ मशीनें खरीदने के राजनीतिक नुकसान की बातचीत शहबाज कर रहे थे।